जहां फरहान अख्तर के घर सुशांत सिंह राजपूत का कुक केशव कर रहा है काम? क्या सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद अख्तर फैमिली ने सुशांत सिंह राजपूत के कुक को किया है हायर? वेल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यही क्लेम किया जा रहा था, लेकिन अब फरहान अख्तर ने इस तरह की रिपोर्ट्स को गलत बताते हुए कहा है, फॉर द रिकॉर्ड आई हैव नो पर्सन नेम्ड केशव वर्किंग एट माइन। Unsurprisingly, another lie by a fake news channel famous for peddling lies. Please stop being so gullible. Just because a guy screams it out on TV doesn't make it true. फरहान अख्तर के इस ट्वीट से पूरी तरह से साफ है कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस में इस तरह अपना नाम आने से खुश नहीं है। वहीं इन अनदर डेवलपमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एक्टर रवि किशन को वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई है। दरअसल रवि किशन ने क्लेम किया था कि बैन सब्सटेंस को लेकर दिए गए पार्लियामेंट में उनके बयान के बाद उन्हें थ्रेट कॉल्स आ रहे थे। ऐसे में अब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने रवि किशन को वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी है। रवि किशन ने सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम को इस सिक्योरिटी के लिए थैंक्स कहते हुए लिखा, आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, पूजनीय महाराज जी, मेरी सुरक्षा को देखते हुए आपने जो वाई प्लस सुरक्षा मुझे उपलब्ध करवाई है, इसके लिए मैं, मेरा परिवार तथा मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता आपकी ऋणी है तथा आपका धन्यवाद करती है। मेरी आवाज हमेशा सदन में गूंजती रहेगी। लेकिन नेटिजन्स लगता है इस न्यूज से कुछ ज्यादा खुश नहीं है और रवि किशन को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। एक यूजर ने लिखा, ऑल टैक्स पेयर्स मनी पुट इनटू प्रोटेक्ट, नौटंकी दुनिया, नॉट पुअर, हु आर गेटिंग रेप्ड एंड बर्न्ड, राम जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अनदर यूजर रोट, चलो अच्छा है, वाई प्लस आपके लिए भौकाल बनाने के काम आएगी, बाकी जिन्हें सच में सुरक्षित करने की जरूरत है वो भगवान भरोसे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन में हो रही देरी से नाराज सुशांत सिंह राजपूत के दोनों करीबी दोस्त 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर भूख हड़ताल के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन थर्सडे को दोनों को एयरपोर्ट से आगे जाने की परमिशन नहीं मिली। इससे पहले दोनों ने कहा था कि वो बस सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहते हैं। डे वन से हम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जहां से सीबीआई की कोई अपडेट्स नहीं आई है। इस वजह से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। इससे पहले थर्सडे को एडवोकेट इशकरण भंडारी ने भी एक बार फिर ऑर्गेनाइज किया डिजिटल प्रोटेस्ट टू सीक जस्टिस for Sushant Singh Rajput and put pressure on the investigating agencies to increase the pace of their probe with the hashtag Revolution for SSR. And as more and more people joined the digital protest, Twitter got flooded with posts about Sushant Singh Rajput. Well, इस केस में सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली भी स्पीडी प्रोब की डिमांड कर रही है। जहां सीबीआई इस केस में अब इन्वेस्टिगेशन के सेकेंड फेज की शुरुआत करेगी, वहीं सुनने में आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैटमेट सिद्धार्थ पित्तानी इस केस में विटनेस बन सकता है।